जैसे कुछ सरकारी योजना होती हैं जिनके अंदर से सिर्फ हमें पेमेंट भरना नहीं होता, सिर्फ वहां से हमें कुछ पेमेंट दिया जाता है अगर आपके घर बेटी होती है तो क्या इस तरीके की जो योजना होती है उससे फायदा उठा सकते हैं? हालांकि उनका जो नाम होता है वो शिरकिया होता है, तो आप क्या राय देंगे इस पर? जी, जी शेख, मैं सवाल नहीं समझ सका इनका। सवाल सिस्टर का ये है शेख कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स होती है, योजनाएं होती है जिसमें हमें कुछ नहीं पे करना होता है, बल्कि गवर्नमेंट हमें पे करती है। जैसे बेटी पैदा होने पर गवर्नमेंट कुछ रकम दे दे, तो जी इस तरह से जो स्कीमें होती हैं या इलाज के लिए कुछ दे दे, तो जिसमें हमें कुछ भरना नहीं है, तो क्या ऐसी स्कीम से फायदा उठाया जा सकता है? गलती उस बिल्कुल उठाया, बिल्कुल स्कीम उठाया जाता है। नाम पर या शिरकिया नाम पर रखा गया हो। कोई कोई हर्ज नहीं है, वो स्कीम से फायदा उठाना बिल्कुल जायज है। बल्कि अगर हुकूमत आपको रकम दे रही है तो वो आपका हक है, आप इस मुल्क के शहरी हैं, वो आपका हक है और उससे बिल्कुल आपको फायदा उठाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हर्ज की बात उस वक्त हो, जी तो स्कीमों में आमतौर से गवर्नमेंट फ्री में, आमतौर से स्कीमों में गवर्नमेंट फ्री में अपने शहरियों को जो है मदद के तौर पर बहुत सारे अलग अलग नामों से या अलग अलग मकासद के तहत पैसे देती है, तो उससे आप बिल्कुल फायदा उठाइए।